नमस्कार, आप हैं अमित सर के साथ और आज हम देखेंगे आईआरबी का पेपर जो कल एग्ज़ाम हुआ था, उसके सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स का भी करेंगे और फिर झारखंड जीके भी करेंगे और सामान्य ज्ञान, मतलब टोटल 120 क्वेश्चन का सारा आंसर की आपके पास है, सारा आंसर बताएंगे सही सही। आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैथ्स का सेक्शन है, लास्ट में भी बताएंगे आंसर किसका कितना है, तो एक का करके देखेंगे। और फिर अगर आप पंचायत सचिव का अगर तैयारी करना चाह रहे हैं अगर हमारे साथ, तो आप हमसे जुड़िए, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट के साथ। आपको बता दें मेरे पास 5 व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जिसमें से एक गर्ल्स के लिए कॉमन है और फिर मतलब गर्ल्स के लिए सेपरेट है, और फिर जो 4 ग्रुप है बॉयज़ के लिए है। 3 फुल हो चुके हैं, चौथा पाँचवा में 100-100 लड़के भी हो चुके हैं। आपको भी अगर जुड़ना है, आपको भी डिस्कस करना है, आपको भी कंपटीशन में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। आप हम अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट हमारे व्हाट्सएप के इस नंबर पे आपको जितना जल्दी होगा ऐड कर दिया जाएगा। इस ग्रुप से आपको क्या फ़ायदा होगा उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम तो डेली आपको 40 से 50 झारखंड के हाई लेवल क्वेश्चन, जो आप यूट्यूब वीडियो में हमारे देखे होंगे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, उसी तरह के क्वेश्चन व्हाट्सएप में भी देते हैं और अभी भी चल ही रहा है। तो अगर आप पंचायत सचिव की तैयारी करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप करें, आपको पूरा स्टडी मटेरियल दी जाएगी। चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सबसे पहला, ग्राम पंचायत गांव के कार्यकारी निकाय होता है, इसकी अगुवाई कौन करता है? सरपंच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा चिश्ती। क्वेश्चन क्या था, वह सबसे प्रसिद्ध सूफी संतों में से एक था, किसका कथन है? मोइनुद्दीन चिश्ती के कथन है। निम्नलिखित है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जिसका प्रयोग भागों पर किया जाता है, जिन्हें माइक्रोस्कोप के अंतर्गत रखकर अच्छी तरह से दृष्टिगोचर किया जा सकता है? इसका सही आंसर क्या होगा, माइक्रो सर्जिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मतलब देखिए, ये क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं सेट बी है। आपके पास अगर ए होगा, सी होगा, डी होगा, तो आप लोग एक मतलब क्वेश्चन का अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सब सेम ही है। आप एक पेपर में सारा आंसर लिख के आप मिला लीजिएगा बाद में, ताकि आपको पता चल जाए कितना आ रहा है, आपको आपका कितना नंबर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगा? इसका सही आंसर बी होगा, डी होगा, 75, अनुच्छेद 75 या इसके बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस क्षेत्र को पहचानिए जिसके लिए बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है, कौन सा है, किसके लिए दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1990 के दशक के दौरान कृषि द्वारा प्रदान किए गए सकल घरेलू उत्पाद का अनुमानित भाग निम्नलिखित में से कौन सा है? एक तिहाई, इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट जो है, इसरो के अध्यक्ष कौन थे 2015 में? श्री एस किरण कुमार। नेक्स्ट जो है, पांडिचेरी का प्रशासन भारत को कब सौंपा गया था? फ्रांस के द्वारा 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2010 में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से कौन जीता था? साइना नेहवाल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PLSI का क्या अर्थ होता है? PLSI का अर्थ होता है पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 का, इसमें से पूछा गया कि अर्जुन पुरस्कार में सम्मानित किया गया था, किसे किया गया था? हरमनप्रीत कौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी है? वेलिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो भीम ऐप्स जो लॉन्च किया गया था, उसका क्या रूप है, क्या नाम है, क्या फुल फॉर्म है? इसका पूरा रूप है भारत इंटरफेस फॉर मनी, बी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, अगस्त 2017 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शुरू किए गए आंदोलन के 75वें साल पूरे हो गए, तो कौन से आंदोलन थे? भारत छोड़ो आंदोलन, इनका 75 साल पूरा हो गया अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कि संविधान 100वां संशोधन अधिनियम जो भारत द्वारा अर्जित क्षेत्रों और कुछ निश्चित क्षेत्रों को बांग्लादेशों को हस्तांतरण करने से संबंधित है, किस वर्ष लागू किया गया था? 2015 में। फीचर्स फिल्म साहिब, बीवी और गुलाम, इसका लेखक कौन है? बिमल मित्र, बिमल मित्र इसके लेखक है, बंगाली लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राफेल नडाल ने पुरुषों के एकल वर्ग में 2017 US ओपन खिताब जीता था, उस देश के पहचान कीजिए जहाँ के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? स्पेन के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम के मुख्य भोजन चावल है, बिहू नृत्य असम का सबसे लोकप्रिय नृत्य है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है, इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1973 के दौरान बाघों की आबादी के लगभग 2/3 बाघों के आवास प्रदान करने वाले दो देशों कौन से थे? भारत और नेपाल, इसका सही आंसर बी होगा, भारत और नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
सबसे पहले टेलीग्राम लाइन कहाँ से कहाँ, टेलीग्राम लाइन जो है शुरुआत कहाँ से कहाँ की गई थी कोलकाता आगरा के बीच कब, 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भूमि क्षेत्र का लगभग 1% वाटर शेड प्रबंधन द्वारा इस राज्य में हरियाली लाई जा रही है, कौन से राज्य में, मध्य प्रदेश में। इस हमारे अनुसार ये क्वेश्चन जो इसका आंसर है 100% सही है, आप नेट में सर्च कर लीजिएगा, लेकिन इसका आंसर यही होगा, मध्य प्रदेश ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट आधारित कॉल करने और प्राप्त करने के लिए स्काइप जो रिलीज की गई थी कब की गई थी, स्काइप रिलीज 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 600 रन से ज़्यादा, 6000 से ज़्यादा रन बनाने वाली इंडिया की कौन सी महिला है ओडीआई में, तो मिथाली राज जो है सबसे ज़्यादा रन बना चुकी है, 6000 से भी ज़्यादा रन बना चुकी है ओडीआई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान की फिलॉसफी और आइडियल्स प्रतिबिंबित है, इसका नाम है बी, बी आंसर सही होगा, प्रियम्बल। नेक्स्ट है सेक्युलरिज्म शब्द प्रियम्बल में 1976 के कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया था, 42वें संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब गलत करके आते हैं, लेकिन सही आंसर बी होगा, वर्ष 1918 में गांधी जी ने गुजरात के किस स्थान पर सत्याग्रह का आयोजन किया गया था, खेड़ा में, खेड़ा में आयोजन किया गया था, लोग तो अब अहमदाबाद चंपारण टिक करके आते हैं, लेकिन इसका सही आंसर खेड़ा होगा, यूपीएससी में पूछा गया कई बार, जेपीएससी में पूछा गया कई बार, और फिर एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया कई बार, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो फर्जी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा नहीं है, इसका सही आंसर गौरी लंकेश होगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबा है, इसका सही आंसर गौरी लंकेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश कितनी भाषाओं के साथ भाषाई आधार का भारतीय राज्यों के साथ समृद्ध है, मतलब 90 भाषा, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक फलीदार फसल कौन सी है, दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह ब्रेड गेहूं से बनी होती है और आकार में अंडाकार होती है, या आमतौर पर हल्के नमकीन मक्खन चाय के साथ खाया जाने वाले, कैसा क्वेश्चन पूछता है ये सब, चाय नमकीन ब्रेड अंडा, पता नहीं कैसे सेट करते हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं या फिर कैसे अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं। इसका आंसर सही होगा सी, खमीर इसका सही आंसर होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटिकन सिटी की मुद्रा कौन सी है, यूरो, आप लोग मिला लीजिएगा। हर बार पिछले बार आईआरबी में भी पूछा गया था मुद्रा और देश की राजधानी से दो क्वेश्चन, इस बार भी पूछा गया, मतलब ये प्लस पॉइंट है कि आप इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, देश और मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका सही आंसर डी होगा, लोकसभा और संसदीय क्षेत्र में सीटों का आवंटन उन्हें भरना। आगे जो है देख लेते हैं, भारत में भारतीय सशस्त्र बलों को दिए जाने वाले बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, परमवीर चक्र। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, भंगार। सितंबर 2017 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय पंचायती राज मंत्री है, नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे देखिए सारनाथ बोध गया और ताजमहल में से एक डिजिटल सेवा दी जानी थी, तो डिजिटल सेवा दी जानी थी, तो उसमें से क्या पहचान है, वाईफाई लगाया जाएगा, इसका सही आंसर बी होगा, वाईफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदर विलियम शेक्सपियर की सदियों में से एक रूपांतरण है, इसका सही आंसर क्या होगा, बी हैमलेट। धन अर्जित करने के उद्देश्य से खरीदी गई परिसंपत्ति जैसे शेयर या संपत्ति क्या कहलाती है, निवेश कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में दलमा वन्य जीव अभयारण्य, ये देखिए झारखंड से जीके अब शुरू हो गया, तो झारखंड में दलमा वन्य जीव अभयारण्य कौन से स्थान से 10 से 20 किलोमीटर के भीतर स्थित है, इसका सही आंसर सी होगा, जमशेदपुर, ये भी क्वेश्चन हम करा चुके हैं। किस पशु को झारखंड के राज्य पशु का दर्जा दिया गया था, इंडियन एलिफेंट को, आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान सा है। निम्नलिखित किस राज्य के साथ झारखंड अपनी सीमा साझा नहीं करती है, मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करती है, टोटल 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, मध्य प्रदेश के साथ नहीं करती है, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ आती थी अलग हो गई है, उसके साथ साझा करती है लेकिन मध्य प्रदेश के साथ नहीं करती है। वर्ष 2000 में झारखंड का नया राज्य बनते समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, राबड़ी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड में से निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म विरासत के अवशेषों दावा करते हैं, कौन से अवशेष करते हैं, इटखोरी में, इटखोरी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी से पहले युद्ध के दौरान 1857 में 12 गांवों के एक जमींदार ने भारतीय सेना को डोरंडा रांची में मदद की और ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ संथाल आदिवासियों को जुटाया, इस जमींदार को पहचानिए, उस जमींदार का नाम क्या था, विश्वनाथ विश्वनाथ सहदेव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य राज्य की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा स्थिर कृषक है? संथाल लोग, सही आंसर इसका होगा संथाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजीव कुमार सिंह 2004 पुरस्कार मिला था 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन है, धातु का काम करते थे, शिल्पकला से जुड़े हुए थे, जो झारखंड के शिल्पकला से जुड़े हुए थे, धातु का काम करते थे, इसका आंसर सी होगा डी। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी, जोहार पीपल्स पार्टी, जेपीपी का पूरा नाम। 59 का आंसर होगा कूरक, स्थानीय भाषा जो है। 60 का जो आंसर होगा इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, ईओसी का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 2017 में जोवा मुर्मू ने बाल साहित्य पुरस्कार संथाली में लिखी थी, किस संलेखन के लिए जीता था? ओलोन वाह, इसका सही आंसर डी होगा। झारखंड के तमाड़ क्षेत्र में वसंत और गर्मी के काल के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? भगता पर्व, इसका सही आंसर सी होगा। चंदन शाहित पहाड़ी पर अशोक के शिलालेख झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ स्थित है? रांची में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एमएस धोनी से, पिछले बार भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया है। इस बार पूछा गया है कि ब्रांड एम्बेसडर कौन था? औद्योगिक विरासत का प्रदर्शन करने के लिए महेंद्र सिंह धोनी थे, सी आंसर सही होगा। 1931 में थेवल ओरोन ने किस संगठन की स्थापना की थी? किसान सभा की। संथाल जनजाति क्षेत्र का एक बहादुर संथाल नेता तिलक मांझी ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? जमींदार और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। यहाँ पे है कि बेतला निम्नलिखित किसका संक्षिप्त रूप है? डी आंसर आप मिला लीजिएगा, डी इसका सही आंसर होगा। झारखंड औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति 2016 और औद्योगिक पार्क नीति के तहत महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इसका आंसर डी होगा। परियोजना लागत का अधिनियम 5 करोड़ रुपए, 35% से 45% तक की अनुदान सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भगवान का दर्जा दिया गया था, जो आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे? बिरसा मुंडा जी, सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट जो है इसका आंसर सी होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। सीओबू के बारे में पूछा गया था, कॉपर बेल्ट किस प्रकार के चट्टान से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL कहाँ पे? पूर्वी सिंहभूम में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कौन सा शहर को टाटा नगर कहा जाता है? आसान सा, सबसे आसान सा जमशेदपुर। निम्नलिखित पारंपरिक नृत्य रूपों में से झारखंड का नृत्य कौन सा है? पाइका। ये भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, 1000 बार किए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, लेकिन पता नहीं लोग कैसे सही करके आए कि नहीं। निम्नलिखित सितंबर 2017 तक झारखंड राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? सुनील कुमार वटनवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड भारत के निम्नलिखित में से किस किस्म के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक था? टसर रेशम, टसर सिल्क रेशम जिसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन हम ग्रुप में बहुत बार डिस्कस किए हैं, टसर टसर सिल्क के बारे में। धनबाद के निकट एक प्रसिद्ध उर्वरक कॉम्प्लेक्स सिंदरी यूनिट झारखंड के किस नदी के तट पर है? दामोदर नदी के तट पर है। जब ब्रिटिश कंपनी द्वारा जंगलों की सामग्रियों या उप उत्पादों को इकट्ठा करने के लिए, इसका आंसर डी होगा, आप लोग देख लीजिएगा, सही आंसर है। आप लोग क्वेश्चन देख मिला लीजिएगा और इसका आंसर डी होगा। 1878 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड पार्टी का मूल नाम क्या था जब 1949 में किया गया था? आदिवासी महासभा। झारखंड के जमशेदपुर से भारतीय उपन्यासकार तुहिन सिन्हा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? द एज ऑफ पावर। 80 नंबर का जो आंसर होगा ICC, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स, इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 81 नंबर का, मियांग चांग झारखंड के एक भारतीय अभिनेता, टेलीविजन होस्ट और गायक हैं, इसका नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? धनबाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदरी अंगिका और नागपुरी भाषाओं जो झारखंड में बोली जाती है, किस भाषा परिवार से हैं? इंडो आर्यन भाषाएं से हैं। रांची में प्रधानमंत्री आवास योजना किसके अंतर्गत आती है? रांची नगर निगम प्राधिकरण के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्रों में से एक है? इसका सही आंसर दो होगा, डी इसका सही आंसर होगा, 2 एंड 3। नगारा और तामक झारखंड के जो वाद्य यंत्र हैं, संतूर नहीं है, संतूर जो है जम्मू कश्मीर का वाद्य यंत्र है, आप लोग देख लीजिए, इसका सही आंसर डी होगा, संतूर नहीं है। नेक्स्ट जो है, MS धोनी को लगातार किस वर्ष ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला था? 2008 2009 में।
देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम एस धोनी के पिछले बार भी क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार भी क्वेश्चन पूछे हैं, दो क्वेश्चन पूछ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में हरित क्रांति लाने के लिए ग्रामीण युवाओं को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जून 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरुआत घोषित की है? आर्या योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा डी, MG महात्मा गांधी नरेगा। इसका सही आंसर होगा, मिला लीजिएगा आप लोग। 88 नंबर का आंसर ए होगा संथाली। 89 का आंसर रांची होगा। 90 का आंसर होगा बिरसा मुंडा, जिनका चित्र संसद के सेंटर हॉल में लगाया गया है। और 91 का, 91 जो है केमिस्ट्री से है। इसका हम आप अगर आपको मतलब इसका आंसर नहीं आता है तो हमें आप मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप में, आपको इसका आंसर बता देंगे। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विटामिन डी। उसके बाद लंबे समय के व्यायाम के बाद इसका आंसर बी होगा। आप लोग मिला लीजिएगा क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग, इसका आंसर बी होगा। मधुमेह रोगी में घाव भरने की गति बहुत धीमी होती है क्योंकि रक्त ग्लूकोज के स्तर में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए, इसका सही आंसर होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशकों से मनुष्यों तक पहुंचने का अप्रत्यक्ष मार्ग नहीं है? सब्जियां। इसका सही आंसर भी होगा। PVC का पूर्ण रूप क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये भी पूछ दिया गया फिजिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फ्यूज तार का करंट रेटिंग 5 एम्पियर है, यहाँ करंट रेटिंग का अर्थ क्या है? इसका आंसर ए होगा। गर्भ अवस्था रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शल्य विधि को दर्शाता है? इसका आंसर सी होगा। एक अत्यधिक पॉलिश किए गए चम्मच को आंतरिक अधोमुख सतह किसके रूप में कार्य करती है? अवतल दर्पण के रूप में। ट्यूमर को नष्ट करने के लिए फाइबर ऑप्टिकल इस्तेमाल किया जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पे काम करता है ये। कठोर और मृदु जल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए इसका सही आंसर होगा, स्वाधीन कर देता है जल को। और 103 का आंसर ए होगा, दर्दनाशक औषधि। उसके बाद जो है 104 का आंसर भी ए होगा, गलनांक ऊंच होते हैं टंगस्टन का। 105 का आंसर प्रकाश की अपवर्तन होगा। 106 का आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। 107 का आंसर होगा ठोस कार्बन ऑक्साइड ऑक्साइड का इस्तेमाल करता है। 108 का आंसर बी होगा, आप लोग देख लीजिए, बहुत लंबा क्वेश्चन है, टाइम लग जाएगा, इसलिए इसका आंसर आप मिला लीजिए, इसका आंसर बी होगा। 109 का आंसर सी होगा। 110 का आंसर ए होगा, रेड लाइट का सबसे कम तरंग दैर्ध्य है। अब आ जाइए मैथमेटिक्स सेक्शन पे। 111 का आंसर सी होगा, आप लोग शक मत कीजिए, एक सही आंसर है। 112 का आंसर सी होगा। 113 का आंसर बी होगा, 49। 114 का आंसर 25.20% होगा। 115 का आंसर 20 होगा। 116 का आंसर 216 होगा। देखिए कितना अच्छा यहाँ पे 116 नंबर क्वेश्चन भी इसका आंसर में भी 16 आ रहा है, तो इसमें बहुत सारे लोग तुक्का भी मारे होंगे, 16 16। चलिए कोई बात नहीं, सही हो गया होगा। 117 का आंसर 1881 होगा, सी। 118 का आंसर 9 होगा, बी इसका सही आंसर है। 119 का आंसर ए 147 स्क्वायर सेंटीमीटर। और 120 का आंसर बी होगा, 86 400 सही आंसर है। तो आप पूरा आंसर देख लें, आप मिला के हमें ज़रूर बताइएगा व्हाट्सएप में कितना नंबर।